भाइयों बहनों, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज हमारी आदरणीय दीदी सुधीर दीदी जी का तीसरा स्मृति दिवस है, तो उसी का ये ब्रह्मा भोजन चल रहा है। आसपास की पाठशालाओं से इतनी सारी भाई बहन आए हैं कि नीचे बैठने में कुर्सियाँ भी कम पड़ गई। हमारी जो दीदी थी ना, बाबा की विशेष विशेष शक्ति थी, और उनके संपर्क में जो जो आत्मा एक बार आई, समझ लो वो बाबा की हो गई। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता दीदी के बारे में ना, लास्ट में मैं भी दीदी से मिला था। दीदी हमारे फतेहपुर गाँव में आती थी, तो दीदी बोलती हैं अंजू दीदी से कि भाई कौन सा वकील है जिसके चार बेटियाँ हैं, उसको मुझसे तो मिलाइए एक बार। तो दीदी ने मुझसे मिली, दीदी ने बोला कि आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आइएगा। तो फर्स्ट बार मैं आया था आज से 4-5 साल पहले, 2007 से मुझे 2014 से मैं ज्ञान में आया। तो दीदी की जो छवि थी, मैंने भी उनकी मुरलियाँ सुनी आसपास के गांवों में जो सेवा होती थी, जब वो मुरली, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी गजब की आवाज़ और एक सामने वाली आत्मा को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, मतलब वो इतनी विशेष शक्ति थी, इतनी विशेष शक्ति थी। आज बल्लभगढ़ के अंदर जितनी भी सारी सेवाएँ हो रही हैं, उन्हीं दीदी सुधीर दीदी की ही द्वारा ये चलाई गई पाठशाला, और ये बड़े बड़ा जहाँ जिस सेंटर में पड़े हुए हैं, ये भी उन्हीं के द्वारा बाबा ने तैयार कराया गया। तो मतलब इतना दृढ़ संकल्प था दीदी के अंदर कि भाई जो एक बार कह दिया ना, तो मतलब करके दिखाना ही दिखाना है। तो आप लोग अपने घर के आसपास यहाँ जहाँ कहीं काम धाम करते हैं, आते जाते में अगर कहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का सेंटर आपको दिखाई देता है, तो उस पर एक बार अवश्य जाइए, क्योंकि परमपिता परमात्मा सृष्टि पे आके गीता ज्ञान दे रहे हैं। जो कहते हैं ना कि गीता मुरली, वो सॉरी गीता कृष्ण जी ने सुनाई, ना ना वो तो रॉन्ग है। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, कृष्ण तो खुद सुनने वाली आत्मा है। तो आप लोग बाबा के बाबा से जुड़ें, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटरों के द्वारा आप भी बरसा लें। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।